हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड। आज की वीडियो में बताने वाली हूँ आपको कि आप सावन के महीने आ रहे हैं, सावन का जैसे सीज़न आ रहा है, तो उसमें सबसे ज़्यादा कॉस्मेटिक में सेल होने वाला आइटम क्या क्या होते हैं और सबसे दुगना पैसे कमाने का क्या राज है। कि जो कॉस्मेटिक में आप सावन में के मौसम में ना बहुत ज़्यादा वैरायटी बिकती है कॉस्मेटिक की, बहुत बहुत सारी चीज़ें बिकती है और बहुत जल्दी आपके पैसे मतलब दुगने हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, दुगने क्या हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इनकम होती है आपकी इस सीज़न में, क्योंकि ये सावन का सीज़न है। तो फ्रेंड्स, मैं अपने शॉप पे बैठी हूँ, तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहती हूँ कि कॉस्मेटिक शॉप में किस तरह से आप सावन में पैसे कमा सकते हो। तो सावन में दुगना पैसा कमाने का जरिया है चूड़ी। तो फ्रेंड्स, इस मौसम में सावन के महीने में ज़्यादातर लेडीज़ होती हैं वो है ना ग्रीन कलर की चूड़ियाँ पहनती हैं, और ज़्यादा ही जो सावन में तीज आता है, रक्षाबंधन आता है, आप जानते ही होंगे, इसमें है ना कॉस्मेटिक का सामान ज़्यादा बिकता है। तो कॉस्मेटिक के सामान में आपका आपकी चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा बिकती हैं इस सीज़न में, सावन के सीज़न में कॉस्मेटिक में चूड़ियों का माल बहुत ज़्यादा बिकते हैं। आप है ना चूड़ियों का माल अपने शॉप पे रखिए। चूड़ियों के माल के अलावा आप है ना इसके अलावा ग्रीन कलर के नेल पेंट वगैरह रखेंगे, और ग्रीन कलर की ज़्यादातर आइटम रखेंगे। तो इस तरह इस सीज़न में सावन के महीने में बहुत ज़्यादा बिक्री होती है, दुगना पैसा कमाने को आपको चांस लग सकता है, दिख सकता है। तो क्यों ना आप है ना आप अपने शॉप पर चूड़ियाँ रखें। चूड़ियाँ वैरायटी की रखी है, जैसे कि आप है ना सावन के महीने में ग्रीन चूड़ियाँ, ग्रीन बिंदी, ग्रीन मतलब नेल पेंट वगैरह, ग्रीन कलर के ज़्यादा आइटम रखे हैं। तो मतलब मैचिंग की चूड़ी हो गई, फैंसी चूड़ी हो गई, देखिए मैं पहन रखी है, मैंने पहन रखा है ये ऐसी तरह की ग्रीन चूड़ी है, इस तरह की भी आप ला सकते हो। तो ये मैंने आप भी मैंने अपनी शॉप से मतलब शॉप में ला करके रखी है चूड़ियाँ। मैं सारी चूड़ियों की वैरायटी दिखा दूँगी आपको, किस तरह से आपको चूड़ियाँ रखनी है। तो चूड़ी में बहुत ज़्यादा वैरायटी आती है और बहुत सस्ते रेट में मिलकर आप दुगना पैसे कमा सकते हैं। तो दुगना पैसे कमाने का सबसे बड़ा अच्छा तरीका है ये, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें ना आपने कॉस्मेटिक शॉप को ये ज़रूर रखेंगे, ये सावन के महीने में सबसे ज़्यादा बिक्री वाली आइटम है, इससे आपको सावन के महीने में ज़रूर बिकता है और अच्छे तरीके मतलब अच्छे कस्टमर आते हैं, आपको अच्छी आपकी शॉप चल सकती है इस महीने में, ठीक है ना। अगर आप अपनी शॉप को शुरुआत कर रहे हैं तो आप इस मतलब इस महीने से भी अपने शॉप पर मतलब शॉप खोल सकते हैं, जिसने नहीं खोला है, और जिसने खोल रखी है वो अपने शॉप पर सामान ला के रख सकते हैं। दुगना पैसे कमाने का जरिया है फ्रेंड्स कॉस्मेटिक में हर सीज़न में कुछ ना कुछ बिकता ही है, बहुत ज़्यादा बिकते हैं। और अभी तीज आने वाली है, तीज में तो आप ग्रीन कलर की चूड़ियाँ रख लीजिए अभी से मंगा के, ग्रीन कलर की चूड़ियाँ, ग्रीन कलर की नेलपेंट वगैरह आप अपनी शॉप पर रख लेंगे तो आपकी बिक्री होगी ही होगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि सावन के महीने में क्या क्या बिकते हैं, ठीक है, सावन के महीने में क्या क्या नहीं बिकता और क्या क्या नहीं बिकता। इसमें ना आपको सावन के महीने में ज़्यादातर रेड कलर की चूड़ी कम ही लोग पहनते हैं, ग्रीन कलर का ज़्यादा आइटम बिकता है, तो आप ग्रीन कलर की अपनी चूड़ियाँ ला के रखिए। मैं आपको चूड़ियों की वैरायटी बता दूँगी, कितने कितने रेंज की मिलती है वो भी बता दूँगी आपको, ठीक है ना। अभी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगी आगे। और फ्रेंड्स, इसमें ये भी है कि अगर आप ना थोक में सामान लो उसमें आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, ठीक है, तो आप है ना अपनी शॉप पर ला के रखिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बहुत लोग मुझे ये बोल रहे थे कि आप वीडियो नहीं बना रहे हो, क्या हो गया ऐसा कि वीडियो नहीं बना पा रहे हो। तो फ्रेंड्स, मेरे को टाइम नहीं मिलता, शॉप पे मैं रहती हूँ 24 घंटे, मतलब मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। अभी नाइट के टाइम मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैं इसमें वीडियो बना रही हूँ, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा मतलब टाइम निकालना पड़ता है जब जाके कुछ होता है, क्योंकि शॉप पर आप जानते हो हर कोई इंसान आते हैं, अभी कस्टमर आ रखे हैं बाहर, उन्होंने एक लड़की रखी हुई है मैंने, तो वो अटेंड कर रही है। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सावन के महीने में आप सारा आइटम रख लीजिए। अब तीज आ रही है, तीज में आप बेचिए सामान को, तीज में रक्षाबंधन में चूड़ियाँ ज़्यादा बिकती है, ठीक है, तो चूड़ियों का माल ला के रख लीजिए और दुगना पैसे कमाइए। अब मैं वैरायटी आपको दिखा देती हूँ। तो गाइस, देख सकते हो ये सारी चूड़ी मैंने खरीदी हुई है तीज में और सावन में। ग्रीन कलर की चूड़ी मैंने ली है, कुछ मैरून कलर की है, कुछ रेड कलर की है, देख सकते हो पूरा मेरा चूड़ियों से भरा पड़ा है रैक। फ्रेंड्स देखो, मैंने बाहर भी लगाती हूँ इस तरह से पटरी पे, तो ये देख सकते हैं मैंने कड़े ला रखे हैं, कड़े का मैंने ग्रीन कलर नहीं लेके आया है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, इसमें ग्रीन कलर भी हैं, कुछ रेड है, कुछ ऐसे कलर हैं। तो ये फ्रेंड्स हमको पड़ती है 20 रुपये की डिब्बी पड़ती है 2 दर्जन की, और हम इसे 40 रुपये में बेचते हैं, तो मतलब 20 रुपये का फ़ायदा हमको होता है इस एक डिब्बी में।
तो अब एक दर्जन कोई लेता है तो उसे 20 रुपये दर्जन देते हैं, जो हमें 10 रुपये की पड़ती है। तो फ्रेंड देख सकते हैं ग्रीन रेड मेहरून मैंने सब कुछ ले लिया है। ऐसे आपको लाना है अपने शॉप के लिए और बहुत ज़्यादा बिकता है ये माल, ठीक है ना। ग्रीन कलर की सब चीज़ मिल, सबसे ज़्यादा बिकने वाला सामान क्या क्या होता है तो फ्रेंड सबसे ज़्यादा तेज़ में बिकता है नेल पेंट, बिंदी, सिंदूर, लिपस्टिक और क्या बोलते हैं चूड़ियाँ, ठीक है ना, काजल, ये सब ज़्यादा बिकने वाला सामान होता है, तो इसको ला के ज़रूर रखिएगा। तो फ्रेंड चूड़ी के मैं आइटम बता देती हूँ, मैंने ये कड़े भी रख रखे हैं, देखिए कड़े भी आप ले सकते हैं आराम से, ठीक है ना। कड़े की वैरायटी बहुत सारी आती है। तो फ्रेंड ये पक्की मीने की चूड़ी है, तो हम पक्की मीने की चूड़ी ले सकते हो, फैंसी चूड़ी ले सकते हो, जो 25 रुपये की डिब्बी पड़ती है हमको, हम 50 रुपये बेच सकते हैं। प्लेन चूड़ी हम 20 रुपये की डिब्बी पड़ती है, हम 40 रुपये आराम से बेच सकते हैं, ठीक है, जो हमें डबल मुनाफा कमा सकते हो। और भी प्लेन कड़े ला सकते हो, 120 रुपये का पड़ता है हमको डिब्बा, जिसमें 10 रुपये का पड़ता है हमको। तो फ्रेंड 10 रुपये की दो चूड़ी पड़ती है, हम 20 रुपये का आराम से बेच सकते हो। तो फ्रेंड बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो इससे। तो फ्रेंड तीज में मैंने सारा कुछ बता दिया, तो थैंक यू, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।